हेलो मेरे फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू साई क्लासेस में। आज जो है क्लास 11th बालाजी पब्लिकेशन की बुक से त्रिविमी ज्यामिति का परिचय का लास्ट वीडियो जो है आज आपके लिए प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, फुल कंप्लीट वीडियो। तो आइए देखते हैं, 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, 17वां क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ये क्वेश्चन है, यदि P -2, 2, 3 और Q ये दिया गया है, उस बिंदु R का बिंदुपथ ज्ञात करना है जो इस प्रकार गति करता है। तो यहाँ पर जो ये दिया गया है, तो आपके बिंदु ये दिए गए हैं और एक बिंदु आप मान लीजिए R का जो बिंदु है वो आप मान लीजिए उसको हम A, B और C मान लेते हैं उस बिंदु को। तो यहाँ से हम बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, तो 3 और PR के बीच की दूरी यानी कि आपका हो जाएगा ये A माइनस, ये माइनस का 2 है तो आपका प्लस का 2 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस B -2 का होल स्क्वायर, प्लस C -3 का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर आप लिखोगे 2। अब यहाँ पर QR के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में A माइनस 13 का होल स्क्वायर प्लस B+3 का होल स्क्वायर, और फिर यह हो जाएगा C-13 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप वर्क कर दोगे, जैसे वर्क करोगे तो आपका 9 हो गया और यहाँ पर आपका हो जाएगा A+2 का होल स्क्वायर B-2 का होल स्क्वायर प्लस C-3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर लगेगा। ये आपका 2 2 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा A-13 का होल स्क्वायर प्लस B+3 का होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा C-13 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो A² प्लस का 4A और प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे B² माइनस का 4B और प्लस का 4, ये भी हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो C² -6C और प्लस का 9, ये आपका हो गया। इस साइड को सॉल्व करेंगे उसी प्रकार से, ये आपका हो जाएगा A² -26A और प्लस का 169, ये आपका हो जाएगा B² + 6B + 9 प्लस यहाँ से फिर C² -26C और प्लस का 169, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो 9, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, A² आपका हो गया, यहाँ पर B² हो जाएगा और ये आपका C² हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे 4A -4B और -6C। अब अंक को जोड़ लेंगे, 4 4 8 9 17, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर भी इस प्रकार से कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा A² B² और C² यहाँ पर हो जाएगा 26A, फिर प्लस का 6B है और ये आपका हो जाएगा माइनस का 26C हो जाएगा, और फिर प्लस आपको करना है यहाँ 169 169 प्लस 9, तो ये आपका टोटल आपका कितना हो जाएगा 1235, कितना हो जाएगा, सॉरी ये आपका 1388 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1388 हो जाएगा, ये आपका हो गया। अब क्या करना है आपको, इन सभी को इधर लाकर माइनस करना है। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट अगर ओपन कर लें तो 9A² से 4A² निकल रहा है तो ये आपका 5A² आपका बचेगा। यहाँ पर 9B² से आपका 4B² इधर आएगा तो ये भी आपका 5B² बच जाएगा। यहाँ पर भी यही प्रोसेस होगी तो आपका 5C² बच जाएगा। अब यहाँ पर 9 चौक कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं 36A, और यहाँ से A को लाते हैं इस साइड में तो ये प्लस का हो जाएगा 4 6 24 और 4 2 8 2 10, ये इतना हो जाएगा। फिर यहाँ से आप करोगे इसका तो ये आपका माइनस का 36B हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो 4 6 24 माइनस का 24B हो जाएगा। यहाँ पर इसको जब करेंगे तो 9 6 54C हो जाएगा। अब यहाँ पर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 6 ये उधर लाएंगे प्लस का 4 6 24, 4 2 8 2 10 104C हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 17 9 153
और ये जो है आपका इधर जब मल्टीप्लाई करके लाएंगे, यहाँ पर देखिए ये हम लोगों ने थोड़ा सा मिस कर दिया टोटल करने में, ये आपका टोटल 676 आएगा। कितना आएगा? 676 आएगा, 676 आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व आप करोगे तब यहाँ पर आपका कितना आएगा, 1388, वो भी माइनस का उधर चला जाएगा, 1388 ये आ गया। अब यहाँ से आप क्या करोगे, 5a² हो गया, 5b² हो जाएगा और 5c² हो जाएगा। अब यहाँ से जब इसको टोटल करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, ये आपका 140a आएगा। और यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसको जब इसमें ऐड करेंगे तो 3624 हो जाएगा आपका, ये 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60b हो जाएगा। अब यहाँ पर 54 में से ये निकल जाएगा तो आपका प्लस का 50c बचेगा। अब यहाँ पर इसको इसमें से माइनस कर देंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपका 1235 माइनस का हो जाएगा, 1235 आपका माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 सभी में कॉमन है तो 5 से आप क्या करें, 5 से आप भाग कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस, ये आपका हो जाएगा 5 से करेंगे तो 5 × 10 5 × 20 ए हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आपका 12b हो जाएगा, ये आपका 10c हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो 5 × 10 5 × 20 5 × 35 ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि बिंदुपथ पी का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए यदि ap² माइनस bp² इक्वल टू 18, जहाँ a इतना और b का मान इतना दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे आप, ये आपको दिया गया है फैक्ट, ap² माइनस bp² इक्वल टू क्या दिया गया है, 18 दिया गया है। तो यहाँ पर आपको p के निर्देशांक मानने हैं, p के निर्देशांक आप मान लीजिए, क्या मानेंगे आप, यहाँ से हम x y z भी मान सकते हैं या a b c ही मान लेते हैं, निर्देशांक आप a b और c मान लीजिए। तो यहाँ से ए पी के बीच की दूरी और बी पी के बीच की दूरी, यहाँ स्क्वायर लगा है तो रूट की कोई बात ही नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं। अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे, p से a को माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस b माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस c, और ये आपका माइनस है तो प्लस का 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो गया। अब यहाँ से माइनस आप करोगे, इसी में से इसको माइनस करते हैं तो ये आपका हो जाएगा a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और c माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 18 है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा a² माइनस 2a और प्लस का 1, ये हो जाएगा b² माइनस 4b और प्लस का 4, और ये हो जाएगा c² प्लस का 6c और प्लस का 9, माइनस ये आपका हो जाएगा a² माइनस 6a और प्लस का 9, और ये आपका हो जाएगा b² प्लस 4b प्लस का 4। अब यहाँ से करेंगे इसको तो ये हो जाएगा c² माइनस 2c प्लस 1 इक्वल टू 18, ये आपका हो गया। अब यहाँ से आप इसको ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन करें या और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपका a² हो जाएगा, b² हो गया, c² हो गया। अब यहाँ पर माइनस का 2a माइनस का 4b प्लस का 6c और ये 13 4 1 5 9 14 हो गया, माइनस ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² माइनस 6a प्लस 4b माइनस 2c 9 4 13 और 1 14 इक्वल टू 18, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो a से a आपका फिनिश हो जाएगा, b से b भी आपका कैंसिल हो जाएगा, c² से c² 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर आपका देखिए क्या बच रहा है, माइनस का 2a माइनस का 4b और प्लस का 6c प्लस का 14, माइनस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका ये दोनों कैंसिल हो गया है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 6a हो जाएगा और ये माइनस का 4b हो जाएगा प्लस का 2c और ये माइनस का 14 इक्वल टू 18 आपको दिया गया है। इसका बिंदुपथ आपको ज्ञात करना है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस का 14 ये प्लस का 14 कैंसिल हो जाएगा। अब 6a से ये निकलेगा तो 4a हो जाएगा, अब ये माइनस का 4b माइनस का 4b तो ये हो जाएगा 8b और ये 6c से 2c ये प्लस का हो जाएगा 8c हो जाएगा।
और इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे आप तो ये आपका हो जाएगा 2a माइनस का 4b, और ये आपका हो जाएगा प्लस का 4c और इक्वल टू 9। ये आपका बिंदुपथ हो जाएगा, 2a माइनस 4b प्लस 4c माइनस का 9, ये आपका जो है बिंदुपथ हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे आपको, क्वेश्चन नंबर 19। ये चैप्टर मैं फुल कंप्लीट करूंगा, इसमें अधूरा नहीं छोड़ूंगा इस वीडियो को। अगला क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज एबीसी जिसके शीर्ष ये दिए गए हैं का केंद्रक मूल बिंदु है, तो एबीसी के मान आपको ज्ञात करना है। तो एक आप रफ में एक ट्रायंगल बना लीजिए जिससे थोड़ा सा आसानी आपको रहे। ये आपका ए हो गया है, ये आपका बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ए पॉइंट है आपका ए कामा वन कामा थ्री है, बी पॉइंट है माइनस टू कामा बी कामा कितना है माइनस का फाइव है, और सी पॉइंट है आपका फोर कामा सेवन कामा सी है। अब आपको कह रहा है कि ए बी सी का केंद्रक, तो केंद्रक के लिए आप क्या करोगे, केंद्रक के लिए आपका सूत्र हो जाता है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई में थ्री, और ये हो जाएगा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई में थ्री, और जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री बाई में ये थ्री हो जाएगा। ये केंद्रक के लिए हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये पहले पॉइंट जो होंगे सब एक्स वन के हो जाएंगे, तो ए प्लस ये माइनस का टू और प्लस का फोर और बाई में थ्री हो गया। अब यहाँ पर वन प्लस बी, वन प्लस बी प्लस सेवन बाई में थ्री हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा थ्री माइनस फाइव और प्लस सी बाई में ये थ्री हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए, और चार से दो गया तो प्लस का दो बाई थ्री हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा बी प्लस एट बाई थ्री हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा सी, और पाँच से तीन निकला तो माइनस का दो बटे में तीन। ये आपका केंद्रक निकलेगा। अब यहाँ क्या कह रहा है कि केंद्रक जो है मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु है तो इसकी तुलना हम जीरो कामा जीरो कामा जीरो से कराएंगे। तो ये जीरो से हो जाएगा, तो ए प्लस टू बाई थ्री इक्वल टू जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए प्लस टू बराबर जीरो, तो ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस का दो। इसी प्रकार से दूसरे वाले का कराएंगे बी प्लस एट बाई थ्री इक्वल टू जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो वो जीरो हो जाएगा, बी प्लस एट इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो, तो बी की वैल्यू माइनस का एट आ जाएगी। फिर यहाँ पर सी माइनस टू बाई थ्री इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी माइनस टू बराबर जीरो, तो सी बराबर कितना आ जाएगा थ्री। तो यहाँ से आपका जो बिंदु है वो आ जाएगा माइनस टू माइनस एट और थ्री, ये आपके जो है वो आपके केंद्रक ए बी सी के मान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु, सिद्ध करना है आपको कि बिंदु जो है एक दो तीन माइनस एक माइनस दो और वन, और दो तीन दो और चार सात छः एक सौ जो है एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की तरह एक फिगर हम ड्रा कर लेते हैं, इस प्रकार से फिगर आप एक ड्रा कर लीजिए। ये ए बिंदु हो गया, बी हो गया और सी, और ये डी हो गया। तो इसके शीर्ष होंगे, इसके लिए आपको क्या प्रूव करना होगा, ए के बिंदु दिए गए हैं एक दो तीन, बी का बिंदु है माइनस एक माइनस दो और माइनस एक, और सी का बिंदु है दो कामा तीन कामा दो, और यहाँ पर हो जाएगा चार कामा सात कामा छः, ये हो गया। तो इसका समांतर होना है, तो समांतर में आपको पता है कि विकर्ण जो है, इसके विकर्ण जो है समद्विभाजित होते हैं और दोनों बराबर होते हैं। जो विकर्णों का जो समद्विभाजन बिंदु जो होता है, समद्विभाजन जो रेखा होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु समांतर की कंडीशन के लिए, ए सी का मध्य बिंदु बराबर होगा बी डी का मध्य बिंदु, बी डी का मध्य बिंदु ये आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से जब इसका मध्य बिंदु निकालेंगे ए सी का, तो ये आपका वन प्लस क्या हो जाएगा, वन प्लस टू बाई टू, और फिर हो जाएगा टू प्लस थ्री बाई टू, और इसके बाद थ्री प्लस टू बाई टू हो जाएगा, ये हो जाएगा। और बी डी के लिए जब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का वन प्लस फोर बाई टू,
और उसके बाद माइनस का 2 प्लस 7 बाई 2 हो जाएगा और माइनस का 1 प्लस 6 बाई 2 ये आपका हो जाएगा। फिर यहाँ से जब करेंगे तो हो जाएगा 3 बाई 2 और ये 5 बाई 2 और ये 5 बाई 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से जब करेंगे तो 3 बाई 2 हो जाएगा और 5 बाई 2 हो जाएगा और ये 5 बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि दोनों बिंदु जो हैं AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु जो हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। तो जब ये बराबर होंगे तो ये सिद्ध करता है कि समांतर समांतर चतुर्भुज के ये क्या हैं, शीर्ष, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। अब एक क्वेश्चन और कहा है कि परंतु यह आयत के नहीं है, इसके लिए आप क्या करेंगे, तो आयत के नहीं होने के लिए आपको क्या करना है कि इसके विकर्णों को देखेंगे, अगर इसके विकर्ण समान होंगे तो यह आयत होगा। तो यहां पर क्या करेंगे, आयत के लिए आप क्या करोगे, बीडी के बीच की दूरी जो है वो एसी के बीच की दूरी के बराबर हो, एसी के बीच की दूरी बराबर हो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले BC के बीच की दूरी निकालें, तो -1 -4 का होल स्क्वायर -2 -7 का होल स्क्वायर +-1 और -6 का होल स्क्वायर। अब AC का जब बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 -2 का होल स्क्वायर 2 -3 का होल स्क्वायर और 3 -2 का होल स्क्वायर, इसको क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे। जैसे हम वर्क करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर -9 का होल स्क्वायर और -7 का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 81 49 और ये आपका हो जाएगा कितना, 1 1 1। अब इसको प्लस कर देंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच की दूरियाँ जो हैं वो इक्वल नहीं हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह आयत नहीं है, यह आयत नहीं है, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसका जो है एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, उसको भी इसी समय हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, और जिससे जो है हमारा त्रिभुवीय ज्यामिति जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और भाई आप लोग लाइक करने में कंजूसी मत करिए, लाइक जो है करते रहिए और वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए कि जिससे जो है थोड़ा सा जो मेहनत की जा रही है वो लगे कि आपको इसका रिस्पांस मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5, 3, 8 तथा 3, 6, 1 को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:4 के अनुपात में अंतर्विभाजित करती है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये एक रेखा है AB एक रेखा हो गई और A का निर्देशांक है 5, 3, 8 हो गया और यहाँ पर हो गया 3, 6, 1 हो गया। यहाँ पर एक बिंदु हमने O मान लिया है और जो है 3:4 में इसको अंतः विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर अंतः विभाजित का सूत्र x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2 ये ले लिया। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ से m1 का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 रख देंगे। x2 का मान आपका 3 है तो वो भी रख देंगे और m2 का मान 4 है और x1 का मान 5 है और यहाँ पर m1 का मान 3 प्लस 4, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 9 प्लस 4 पंचे 20 बटे 4 3 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 29 बटे कितना 7 आ जाएगा, ये x का मान। इसी प्रकार से हम y का मान निकाल लें तो वो आपका होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो m1 आपका है 3 और y2 कितना है, y2 का मान है 6 और m2 है 4 और y1 का मान है 3 और बटे में 3 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 18 और 4 3 12 और बटे 4 3 7, तो 18 12 30 बटे में ये 7 हो जाएगा। अगला पॉइंट जेड का भी ज्ञात कर लीजिए, तो वो सूत्र है m1 z2 प्लस m2 z1 होल अपान m1 प्लस m2, ये हो गया। तो m1 की वैल्यू कितनी आई, m1 का मान है 3 और z1 z2 का मान कितना है,
वन और प्लस एम टू का मान है 4 और जेड वन का मान है 8, अपान में यहाँ पर 3 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 12, 8 चौक 32 बटे 7, तो ये कितना हो जाएगा 32 3 35 बटे 7, तो 7 25 35, तो यानी कि आपके बिंदु जो हैं वो निकल कर आएंगे 29 बटे 7, 30 बटे 7 और 5, ये आपके आंसर हो जाएंगे। इस प्रकार से हमने जो है त्रिविमीय ज्यामिति परिचय नामक जो चैप्टर है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, और जो आप कमेंट करिए कि किस कौन से चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए।